टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नकली दूध से लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले दो आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी ब्रांडेड दूध जैसे अमूल, गोकुल की दूध की थैलियों में नकली मिलावटी दूध भर कर इसे बेचा करते थे, जो बेहद ही सेहत के लिए खतरनाक है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है कि ये लोग कितने दिनों से इस नकली दूध का कारोबार कर रहे हैं और प्रतिदिन कितने लीटर दूध ये बेचा करते हैं। जिस दूध को लोग अपने घरों में बच्चों को पिलाते हैं, बूढ़े जवान सभी पीते हैं कि वो स्वस्थ रहे, और इसी जहरीले दूध को ये दोनों आरोपी मिलावटी और नकली यानी कि जहरीला बनाकर बेचा करते थे। मुंबई के अंधेरी इलाके में ये नकली दूध बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच को गुप्त जानकारी मिली थी कि अंधेरी इलाके में मिलावटी नकली दूध बनाकर अमूल गोकुल की थैलियों में भर कर इसे बेचा जा रहा है। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। छापेमारी में बड़ी संख्या में दूध की पैकेट बरामद की गई। 36 अमूल गोकुल के दूध की थैलियों बरामद की गई है और साथ ही 294 लीटर नकली यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जहरीला दूध बरामद किया गया है। इसके अलावा लाइटर पिन, मोमबत्ती, स्टोव भी बड़ी संख्या में बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस तरह के नकली दूध बनाकर बेचने वाले अक्सर दूध की थैलियाँ रास्ते से चुन कर इसे लाते हैं और उसे धुल कर साफ करते हैं, उसमें नकली दूध भर कर पैक करके ये मार्केट में बेचा करते हैं। घर की औरतें हो या फिर अन्य कोई भी शख्स हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी कभी आप दूध खरीद कर लाएँ तो उन थैलियों की सिर्फ पॉइंट पर काट कर दूध निकाल कर थैलियाँ ना फेंकें। उन थैलियों को पूरी तरह से फाड़ कर फेंके ताकि उन थैलियों को कभी दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।